इफ़ यू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल। हेलो एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल उर्वशीज़ कुकिंग एंड ब्लॉगिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवरात्रि स्पेशल साबूदाना वड़ा की रेसिपी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो चलिए साबूदाना वड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 कप साबूदाना, और अब मैं इसे वॉश कर लूँगी। हमें इसे ज़्यादा टाइट हाथ से वॉश नहीं करना है, बहुत ही सॉफ्ट हाथ से हल्का हल्का हम इसको वॉश करेंगे, और मैं इसे 2 से 3 बार वॉश कर लूँगी। इसका पानी मैं निकाल दूँगी। इसी तरह से हम इसको एक बार और वॉश कर लेंगे। अब हम साबूदाने में पानी डालकर इसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं डालना है, साबूदाने के लेवल से सिर्फ 1/2 इंच ऊपर ही हमें इसमें पानी रखना है। साबूदाने को भिगे हुए हमें 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और साबूदाना अच्छे से फूल चुका है। साबूदाना वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं 5 मीडियम साइज़ के बॉइल्ड आलू, और अब मैं इनको कद्दूकस कर लूँगी। आलू हमने कद्दूकस कर लिए हैं, अब मैं इसमें साबूदाना डाल दूँगी, हरी मिर्च, और अब मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले जैसे कि रेड चिली पाउडर, सेंधा नमक जो हम व्रत में यूज़ करते हैं, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा हरा धनिया, और अब मैं इनको अच्छे से मैश कर लूँगी। हम हाथों को अच्छे से वॉश कर लेंगे, और इसके बाद मैं हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाकर साबूदाने की छोटी छोटी टिक्कियां बना लूंगी। इसी तरह से हम सारी टिक्कियां बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सारी टिक्कियां बनकर तैयार हैं। अब हम एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गरम कर लेंगे और उसमें टिक्कियां डाल देंगे। वड़े को कढ़ाई में डालते हुए हमें गैस को फुल फ्लेम पर ही रखना है, और उसके 30 सेकंड बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। अब हम वड़े को लो फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। अब हम वड़े को पलट देंगे और दूसरी तरफ से भी उसे अच्छे से सेक लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, वड़ों का कलर एकदम चेंज हो चुका है, ये एकदम गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं और काफ़ी क्रिस्पी भी हो चुकी हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के वड़े भी इसी तरीके से सेक लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, तैयार हैं हमारे साबूदाने वड़े। अब मैं इन्हें सर्व कर लूँगी। सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर साथ में ली है पीनट चटनी, हरे धनिया की चटनी, और साथ में खट्टी मीठी इमली की चटनी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग।